आम आदमी पार्टी काफी समय से प्रयास कर रही लेकिन उत्तर प्रदेश में अपना कोई स्थान नहीं बना पाई है। लेकिन चुनाव से पहले नेता अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में आ जाते हैं। चूंकि निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल मैदान में आ रहे हैं। झांसी में आज आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी अपने चुनाव चिन्ह को हथियार बनाकर चुनावी जंग का ऐलान किया है। जल्द ही चुनावी तारीखों की घोषणा हो सकती है, लेकिन उससे पहले चुनावी मैदान में हाथ आजमाने को तैयार नेता भी सड़क पर उतर आए हैं। इसी क्रम में आज झांसी में आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने कचहरी चौराहे के पास प्रदर्शन करते हुए झाड़ू हाथ में लेकर सफाई की। लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने नगर निगम में फैली गंदगी को अपनी झाड़ू से साफ करने की बात कही है। देखिए, जो आज सब जगह हम देखते हैं कि सड़कों पर नालियों में गंदगी व्याप्त रहती है, लेकिन उस गंदगी से भी ज़्यादा जो बड़ी गंदगी है जो सत्ता में और प्रशासन में व्याप्त है, उस गंदगी को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से एक आह्वान हुआ है कि पूरे प्रदेश में गंदगी हटाओ, झाड़ू चलाओ और यात्रा निकाली जा रही है। आज पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिला मुख्यालयों में आज जो हम लोगों का आपको लाइए झाड़ू चलाइए कार्यक्रम महानगर में यहाँ शुरू कर रहे हैं, और ये प्रदेश नेतृत्व की तरफ से पूरे जिला मुख्यालय से 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा, और प्रत्येक वार्ड में भी इसको चलाया जाएगा। आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। झांसी से मोहम्मद सैफ के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।